अनसिक्योर्ड लोन का रीपेमेंट न करने पर बैंक के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और इन ऑप्शंस में से वो कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है। क्या करते हैं वो, कैसे करेंगे वो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है, वैसी कंडीशन में बैंक के पास आपके अगेंस्ट क्या क्या ऑप्शन है। खासतौर पे इस वीडियो में मैं बात करूंगा उनके पास जो लीगल ऑप्शन है, यानी कि लीगल तरीके से कानून की मदद से, कानून के सहारे बैंक आपका क्या कर सकता है, आपके साथ क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, सिक्योर्ड लोन थोड़ा सेफ होता है बैंक वालों के लिए, यानी कि अगर आपने मकान लिया है, अगर आपने उसको मॉर्गेज कर रखा है, उसके सारे कागजात अगर बैंक के पास है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो सिक्योर्ड लोन में बैंक आपके पीछे रिकवरी वालों को बहुत ज्यादा लगाएगा नहीं, पूरी प्रॉपर्टी की ओनरशिप उसकी हो जाएगी। सरफेसी एक्ट में आपके पास एक नोटिस भिजवाएगा, आपके मकान को ले लेगा, आपकी दुकान को, आपकी प्रॉपर्टी को ले लेगा और उसके बाद आपको चिंता मुक्त कर देगा। अब आपको लोन को रीपे करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसको जो करना था उसने कर दिया। ये बात तो हो गई है सिक्योर्ड लोन की। तो सिक्योर्ड लोन में जब आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो वो बहुत अधिक चिंतित नहीं होते हैं, लेकिन अगर अनसिक्योर्ड लोन है, एग्जाम्पल के तौर पर क्रेडिट कार्ड हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर कोई बिजनेस लोन हो गया, अगर आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है जो कि अनसिक्योर्ड है, जो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस के आधार पर आपको दिया गया है, ऐसी कंडीशन में अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक क्या कर सकता है। शुरुआत होती है कुछ कॉल्स, कुछ SMS, कुछ मैसेजेज से, जहां आपको ये बताया जाता है कि आपका पेमेंट नहीं आया है और आपको पेमेंट करना है। ये कॉल शुरू शुरू में उनके जो कॉल सेंटर वाले हैं वो करते हैं, आपको बताते हैं कि भाई पेमेंट आपका बाकी है, आप हमें दीजिए। बहुत सारे ऑटोमेटिक मैसेजेज आपके पास आते हैं, रिमाइंडर्स हम कह सकते हैं, आपको रिमाइंड करवाते हैं कि भाई आपका पेमेंट नहीं आया है। लेकिन जब आप उन्हें रिमाइंडर्स को नज़रअंदाज कर देते हैं तो कुछ समय के बाद आपके पास बहुत ही हार्श कॉल आने लग जाती है, जहां आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, हम आपके घर पर आ रहे हैं, नहीं देंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपके खिलाफ ये केस हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है, लीगल नोटिस इश्यूड, लीगल नोटिस हमने इशू कर दी है, 420 का हम आपके ऊपर केस लगा देंगे, हम आपके ऊपर विलफुल डिफॉल्टर का केस लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो सारी चीज़ें एक तरीके से आपको धमकाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद फिर कॉल आती है, उसमें गाली गलौज पर आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं आपके लिए परेशानियां ये लोग बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो वो लेना शुरू कर देते हैं। हम और गहराई में जाएंगे, लीगल वे में भी हम जाएंगे, लेकिन शुरुआत मोटे मोटे तौर पर यहां से होती है। तो अगर आपके लोन का आपने पेमेंट नहीं किया या नहीं करने वाले हैं तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सारी चीजें होती हैं। इसके बाद आपके पास लीगल फर्म जो होती है, जो बैंक के लिए काम करती है, वहां से जो एडवोकेट्स होते हैं वो आपको डिमांड नोटिस भेजते हैं, रिकॉल नोटिस भेजते हैं। थोड़ा और आगे चले तो आर्बिट्रेशन के लिए आपको बुलाते हैं। आर्बिट्रेशन आपकी सिटी में नहीं करते, आपकी सिटी से बाहर करते हैं, मुंबई में आप रहते हैं, पुणे में आप रहते हैं, आपको आर्बिट्रेशन मोस्ट प्रोबेबली, जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आया है, कोलकाता में कर देते हैं, कई बार अहमदाबाद में कर देते हैं, लेकिन जो भी कहीं भी करें, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं, वो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आपके सिटी के बाहर करते हैं। आपके सिटी के बाहर ही ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए ताकि आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बने और आप किसी भी तरीके से आप उनके लोन का भुगतान कर दें। और बाहर अगर होगा तो वैसे ही आपके पास पैसे नहीं है, आप वहां जाकर केस कैसे फाइट करोगे? और अगर आप नहीं जाते हो तो उनके पक्ष में फैसला आना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ये सारे के सारे एक्शंस वो लेते हैं। अगर फिर भी आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपके अकाउंट को 90 डेज के बाद वो NPA कर देते हैं। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि वो एसेट, वो पैसा जो अब उनके लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है, NPA कर देते हैं वो उसको। और NPA करने के बाद वो आपके ऊपर केस भी कर देते हैं। NPA से पहले केस आपके ऊपर होता नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने आपके अकाउंट को NPA कर दिया है तो NPA करने के बाद वो आपके ऊपर केस कर देते हैं।
वो जो केस है वो भी आपकी सिटी के बाहर करते हैं जो हजारों किलोमीटर दूर हो सकता है। आपको अपना काम धंधा छोड़कर टाइम निकाल कर वहां जाना होता है, केस करते हैं, तो केस करने के बाद कोर्ट आपको समन भेजता है। तो अनसिक्योर्ड लोन में अगर किसी को कोई गलत फहमी है कि केस नहीं होता, केस होता है। किस चीज का केस होता है वो भी बता दूंगा। केस होता है तो दूसरे सिटी में आपको बुलाया जाता है, वहां के कोर्ट में समन भेजा जाता है। समन में हाजिर होना जरूरी भी होता है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई समन आता है, अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे तो आपके खिलाफ वारंट इशू हो जाता है। पहले तो बेलेबल वारंट इशू होगा, फिर भी नहीं जा रहे हैं, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, फिर भी नहीं जा रहे हैं, भगोड़ा घोषित कर देंगे, फिर पुलिस तलाशेगी आपको। पुलिस खुद ही इन्वॉल्व नहीं होती है पर्सनल लोन के मामले में, पुलिस का डायरेक्ट कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो रफू चक्कर हो गए, जाओ और खोज कर लाओ, तो फिर वहाँ पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। वो आपको खोजने की कोशिश करते हैं, पकड़ कर लाते, बोलते जज साहब ये रहा। इतना आगे तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, होता क्या है मैं वो बातें आपको बता रहा हूँ। अब आप बोलेंगे लेकिन मैंने तो सुना था कि अनसिक्योर्ड लोन में कोई केस होता ही नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन सिक्योर्ड लोन की तुलना में थोड़ा सरल है इसको हैंडल करना, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। आपने अगर कोई लोन ले रखा है तो बहुत अधिक प्रोबेबिलिटी है, खासतौर पर अगर आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है तो बहुत अधिक प्रोबेबिलिटी इस चीज की है कि आपने ऑटो डेबिट ऑन करवा रखा है। ऑटो डेबिट क्या है? हर महीने आपके सेविंग्स अकाउंट से, आपकी सैलरी अकाउंट से, किसी भी अकाउंट से आपके ऑटोमेटिकली पैसे निकलकर बैंक के पास चले जाते हैं। इसके लिए उन्होंने सब कुछ पहले ही कर दिया होगा, या तो इलेक्ट्रॉनिकली आपसे सहमति ले ली होगी, या फिर अगर आपने बैंक में जाकर लोन लिया है तो वहां पर सिग्नेचर करवा कर उन्होंने ऐसा कर दिया होगा। आपसे एक कैंसिल चेक भी लिया होगा उन लोगों ने KYC के लिए। कई बार कुछ ब्लैंक चेक्स भी रख लेते हैं। अगर ब्लैंक चेक्स उसने ले रखे हैं और आपका पैसा नहीं जा रहा है तो सेक्शन 138 में आपके ऊपर केस हो सकता है। और अगर आपका ECS बाउंस अगर ब्लैंक चेक नहीं ले रखा है, लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट से वो पैसे नहीं जा रहे, जो कि एक नया वर्जन है, ECS तो अभी कुछ समय पहले ही आया है, तो एक नया वर्जन है, बिल्कुल चेक की तरह काम करता है। अगर महीने के महीने आपके पैसे नहीं जा रहे हैं उनके अकाउंट में, रिकवरी एजेंट उन्होंने भेज दिए, रिमाइंडर्स भेज दिए, कुछ भी अगर नहीं हो रहा है तो आपके अकाउंट को NPA करके वो आपके ऊपर केस कर देंगे। ECS बाउंस का भी केस होता है चेक बाउंस की तरह सेक्शन 25 में, और वहां पर भी आपको समन भेजा जाएगा। और वही बात अगेन, समन में अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर आपके खिलाफ वारंट इशू हो सकता है। तो ये सारे कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो बैंक बिल्कुल ले सकता है आपके खिलाफ, इवन इन अनसिक्योर्ड लोन। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा समन आता है, कोई भी ऐसी नोटिस आती है, कोई भी ऐसी चीज आती है, तो कम से कम आप उसे पढ़िए कि वो है क्या, उसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। हाँ, अगर केस होता है तो फिर उसके लिए क्या करना है, उसके भी तरीके हैं। आपको बेल भी करवानी पड़ती है, नहीं करवाएंगे तो आपको जेल भी जाना पड़ता है, सारी बातें हैं। लेकिन मेरा सुझाव इन सारी चीजों से पहले यह है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनके पैसे दे दीजिए और सौगंध खाइए कि जिंदगी में कभी आप दोबारा लोन लेंगे नहीं, किसी भी तरीके का नहीं लेंगे। आपको मकान बनाना है ना, तो 50 लाख रुपए लोन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको व्यक्तिगत तौर पर अगर अपनी शादी करनी है, अपने बच्चे की शादी करनी है, पर्सनल लोन अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो आपको लेने की जरूरत नहीं। जितने पैसे उतने में ही उतने ही पैर पसारने की जरूरत है जितनी बड़ी चादर है, क्योंकि लोन के ट्रैप में फंसना आपके वर्तमान और आपके भविष्य दोनों को बिगाड़ कर रख देता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो दे दीजिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जब कभी भी आपके पास सेटलमेंट का ऑफर इनके तरफ से अगर आता है तो आप सेटलमेंट करवा लीजिए। यह भी एक इजी तरीका है इनके चंगुल से मुक्त होने का। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं किस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। तो आपको करना क्या है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक कर देना है। इससे जब कभी भी कोई नया वीडियो मैं पोस्ट करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगी। और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज लीव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सेंड मी योर क्वेश्चंस। अगर मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उसके ऊपर जितनी जल्दी हो सकता है आपके लिए वीडियो बनाऊंगा।
और अगर आपके ऊपर कोई केस हो गया है, होने वाला है, या आप सिर्फ जानकारी लेना चाहते हैं, और जानकारी अगर आप एडवांस मिले तो अच्छी बात है, ताकि बाद में कहीं अनजाने में कुछ गलती आपसे न हो जाए, कोई जानकारी लेना चाहते हैं या फिर आपके ऊपर केस हो गया है, आपको बेल करवानी है, अपने सिटी के बाहर करवानी है, अपने सिटी में करवानी है, कोई सी भी प्रॉब्लम अगर आपके पास है और अगर आप मुझसे वन ऑन वन कनेक्ट होना चाहते हैं ऑन कॉल, तो नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, सेंड मी ए मैसेज। व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है, डोंट कॉल ऑन दिस नंबर, आपको इस नंबर पे कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपके पास स्टेप्स आ जाएंगे व्हाट यू हैव टू डू टू गेट कनेक्टेड टू मी ऑन कॉल, आप किस तरीके से मुझसे बात कर सकते हैं कॉल के ऊपर, आपको सारे के सारे स्टेप्स दे दिए जाएंगे, एंड इफ यू फॉलो दोज स्टेप्स यू विल कनेक्ट टू मी विद इन फ्यू मिनट्स। चलिए मिलता हूँ आपसे जल्दी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए, बाय बाय।